Hello dear students, in today's assignment we are going to discuss our pending chapter number 1. Take out page number 7. Here is comparison between compass and map direction. We have read about the compass in previous assignment as well as map directions. So here is a comparison. While compass directions are mainly used for navigation, all types map direction help us to locate places on globe. जो compass है वो navigation के लिए होती है और जो map direction है वो place को locate करने के लिए होती है. Compass directions are relative. For example, while A is to the northwest of B and B is to the southeast of A. So both these directions of compass are relative. But map directions are fixed. इसके according इसकी direction और है. इसके according B के according A की direction और है. A के according B की direction और है. तो जो मैप होता है, मैप में क्या होता है, फिक्स होती है. डायरेक्शन इज फिक्स, डिटर्मिंड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हम उसको फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया का एक्सटेंट देखें तो इतने डिग्री नॉर्थ से लेकर इतने डिग्री ईस्ट सॉरी इतने डिग्री ईस्ट से लेकर इतने डिग्री ईस्ट तक है. तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो सॉरी लैटिट्यूडनल है. तो लॉन्गिट्यूडनल उसने क्या बोला है, इतने डिग्री नॉर्थ से लेकर इतने डिग्री नॉर्थ तक है. हैंस इट लाई इन द नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट. तो ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है. ठीक है, ये फैक्ट है कि ये जो इंडिया की लोकेशन है ये इसी एरिया में आएगी. ये नहीं है कि किसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो गई, किसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो गई. मैप में ये चीज़ें फिक्स होती हैं, लेकिन कंपास के अकॉर्डिंग ये रिलेटिव डायरेक्शन बन जाएगी कि ये वाली कंट्री के इस डायरेक्शन में है इंडिया, ये वाली कंट्री के इस डायरेक्शन में है इंडिया. नाउ नेक्स्ट आर द कन्वेंशनल सिंबल्स. कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? कन्वेंशनल सिंबल्स हैं वो सिंबल जो सबसे पहले तो ये हमारे इंडिया की एसोसिएशन होती है. इट गिव द फिक्स्ड सिंबल्स. किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फीचर को एक फिक्स सिंबल जो है हमारी इंडिया की एसोसिएशन देती है. वो हम लॉन्ग टर्म से वही कन्वेंशनल वही सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स बोला जाता है. मैप्स आर एरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजन. जो मैप्स होते हैं वो ऊपर वाला उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है. Depending upon the scale, they show the relevant natural and human-made features with the help of certain signs and symbols that are standardized by different countries as per their requirement. तो क्या होती है कि depending upon the scale, कि scale कितना बड़ा लिया है या कितना छोटा लिया है, उसके according ही, जैसे हमने last assignment में पढ़ा था large scale and small scale. जो large scale था वो छोटे area को depict करता था, जो small scale था वो बड़े area को depict करता था. तो scale पे depend करता है कि natural और human made features कितने extent तक show करने हैं. ऑब्वियसली अगर स्मॉल स्केल हुआ तो इट मीन्स कि उसने बहुत सारे एरिया कवर करना है, तो इट बिकम डिफिकल्ट टू मेंशन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दैट स्केल. बट इन लार्ज स्केल एरिया उसने स्मॉल एरिया को ही कवर करना होता है, तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ मच पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फीचर्स. सो Here are some characteristics of symbols. They have fixed form and shape which do not tally with original shape of the feature. उनकी अपनी shape होती है और अपना ही size होता है, जो कि original ना size same होता है ना shape same होती है. They have fixed colors. उनके colors भी fix होते हैं. They have standardized application within a country. तो उनकी एक standardized application होती है जो उसी country में ही चलेगी. Now next,
सिंबल अलाउ अ व्यूअर टू लोकेट नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर विदाउट द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज. जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स पढ़ने भी आने चाहिए. ऐसे नहीं है कि आपने मैप खोल लिया और मैप में सिंबल दिए हुए हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सिंबल क्या है, तो वो मैप यूजलेस हो जाएगा. सो वन मस्ट अंडरस्टैंड द सिंबल्स बिफोर रीडिंग द मैप. तो मैप रीड करने के लिए सिंबल्स आने जरूरी होते हैं. नाउ कम टू लेजेंड एंड द की. अब लेजेंड एंड की क्या है? लेजेंड एंड की क्या है? की जो है बेसिकली जो हमारे मैप के नीचे बॉक्सेस दिए होते हैं उसको, उसकी उसमें ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं या कलर्स दिए होते हैं, तो और उसकी साथ में डिस्क्रिप्शन होती है कि ये वाला कलर ये चीज़ शो कर रहा है, ये वाला जो सिंबल है ये शो कर रहा है. तो ये सारा, ये ऐसे ही होता है, ये सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, ठीक है. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर थ्रू डायग्राम. अब आ गए हैं, हमने मैप कर लिया, ठीक है, कंपस कर लिया, उसकी डायरेक्शंस देख ली. अब हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स कही हैं वो डायग्रामेटिकली भी हमने हमें शो किए जाते हैं. डायग्राम कैन बी यूज टू डिपिक्ट एंड एक्सप्लेन ज्योग्राफिकल फीचर्स. लेबल्स और एनोटेशंस आर यूज इन डायग्राम टू एक्सप्लेन एंड और इलेबोरेट. उनकी लेबलिंग की जाती है ताकि उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए. तो कुछ हम आज डायग्राम्स रीड करेंगे. सबसे पहले है एंटीक्लाइन. एंटीक्लाइन क्या है? एंटीक्लाइंस आर अप फोल्ड वेयर रॉक्स आर पुश्ड अपवर्ड इनटू द कन्वेक्स फोल्ड. इट रिजेंबल एन आर्क विद द रॉक बेड स्लोपिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोल्ड. तो क्या होता है, ये अप फोल्ड होता है, जो रॉक्स होते हैं ऊपर को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कन्वेक्स एक फोल्ड बना देता है जो कि इधर को फ्लो कर रहा होता है साइड साइड को. नाउ सेकेंड वन इज सिंकलाइन. सिंकलाइन क्या है? डाउन फोल्ड होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो इनवर्ड को बेंट कर गए होते हैं, डाउनवर्ड को, तो डिप्रेशन होती है ऐसी. इसमें क्या है? अपफोल्ड किया, इसमें डाउनफोल्ड किया हुआ है. नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म व्हेन अ ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट लाइंग बिटवीन टू क्रैक्स और फॉल्ट गेट अपलिफ्टेड. ब्लॉक्स बने होते हैं ऐसे ना, इस जैसे इस फिगर में ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं. तो कोई कई ब्लॉक्स होते हैं कि क्रैक्स के बीच में से ऊपर को उठ जाते हैं, तो जो ऊपर को लिफ्टेड होते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं. नाउ कम टू रिवर ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्डर्स एंड डेल्टास. अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिवर क्या होती है? ए चैनल ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम हायर हिली एरिया टू प्लेन्स. जो हिली एरिया से प्लेन तक बहे उन्हें रिवर्स बोलते हैं. ट्रिब्यूटरी क्या होती है? अ स्ट्रीम दैट फ्लो इन टू लार्जर स्ट्रीम और रिवर. एक स्ट्रीम, एक छोटी सी होती है, पानी की स्ट्रीम होती है जो लार्जर एरिया को जाके या लार्जर रिवर को जाके मिलती है. मीन्डर क्या है? अ साइनियस कर्व और बैंड इन द कोर्स ऑफ रिवर. जो रिवर चल रहा होता है उसमें एक जो बैंड आ जाता है उसे हम मीन्डर बोलते हैं. डिस्ट्रीब्यूटरी, अ स्ट्रीम दैट फ्लो फ्रॉम अ लार्जर स्ट्रीम और रिवर एज अपोज टू द ट्रिब्यूटरी. तो ये जो है, जो स्ट्रीम जो है फ्लो कर रही है लार्जर स्ट्रीम और रिवर से, और अपोजिट टू ट्रिब्यूटरी होती है ये. नाउ डेल्टा. अब डेल्टा क्या है? दे आर ट्रेंगुलर लैंड फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ रिवर नियर द माउथ. द रिवर स्लो डाउन एंड ड्रॉप इट्स सेडिमेंट ओवर ईयर्स क्रिएटिंग डेल्टा. Here the river is forced to split up, creating smaller rivers called distributary. तो यहाँ क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का लैंड फॉर्म बन जाता है रिवर के बीच में, और रिवर के बीच में अलग अलग ये क्या बना देता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देता है. Here is the diagram of the whole we have read now. Now these are the tributaries, streams आ रही हैं, वो बड़ा एक रिवर बना रही है. रिवर में एक मीन्डर आया, एक बेंड आया, मीन्डर आ गया है. तो
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. अ स्केच इज अ टाइप ऑफ स्केल दैट डज नॉट यूज यूनिट ऑफ मेजरमेंट. टू ट्रांसलेट अ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन टू डिस्टेंस ऑन द मैप प्रॉपर स्केल इज अप्लाइड. हमने देखा था कि प्रॉपर निकालने के लिए कि मैप पे इतना डिस्टेंस है, ग्राउंड पे इतना डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें स्केलिंग की जरूरत पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम फोर कार्डिनल डायरेक्शन, फोर ऑर्डिनल डायरेक्शंस आर यूज्ड. वी नो इट कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए. ऑर्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हुई? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारे ऑर्डिनल डायरेक्शंस हुए. डायग्राम्स आर यूज्ड विद लेबल्स. अभी हमने डायग्राम्स पढ़े हैं जिसके जिसको हमने प्रॉपरली लेबल्स उसके दिए होते हैं ताकि वो इजिली रीडेबल हो जाए. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. Why is the globe considered to be a replica of Earth? ग्लोब को रेप्लिका ऑफ अर्थ क्यों माना जाता है? बिकॉज इट रोटेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ ट्रैकर यूज फॉर नेविगेशन. जो ट्रैकर्स होते हैं वो कौन सा स्केल यूज करते हैं? लार्ज स्केल मैप्स. एंटीक्लाइंस आर फाउंड इन फोल्डेड रीजन्स. जो फोल्डेड रीजन्स होते हैं वहाँ पर हम एंटीक्लाइंस यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. स्मॉल स्केल मैप शो लार्जर एरिया इन ग्रेटर डिटेल्स. येस इट इज ट्रू. एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेज इज रिड्यूस्ड इन साइज ऑन अ मैप. दिस रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द चूजन स्केल. येस दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमने अलग अलग तरह के स्केल्स किए हैं, उसी के बेसिस पे उसकी जो स्केलिंग होती है उसका साइज जो है रिड्यूस होता है. सिंबल अलाउ अ व्यूअर टू लोकेट ज्योग्राफिकल और ह्यूमन मेड फीचर इन अ मैप विदाउट यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज. येस लोकल लैंग्वेज यूज किए बिना हम जस्ट सिम्बॉलिक वे के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ग्लोब्स आर ईजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरिड एनी वेयर विदाउट डिफिकल्टी. जो ग्लोब्स होते हैं वो ईजिली हैंडल कर सकते हैं हम उसको और कैरी कर सकते हैं कहीं भी विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती. नो इट्स फॉल्स. क्या हम इजिली हैंडल कर सकते हैं? मैप्स को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं और हम उनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. अ स्केच शो ओनली द रेलिवेंट डिटेल्स. जो स्केच है वो सिर्फ रेलिवेंट डिटेल शो करता है. नो इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्केच है वो इट्स अ रफ एस्टिमेट ऑफ एनी प्लेस. नाउ कम टू असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ द सेम चैप्टर. हेयर इट इज गिवन बैक क्वेश्चन आंसर्स. विच मैप शो द लार्जर एरिया? स्मॉल स्केल मैप. विच मैप प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड? लार्ज स्केल मैप्स. विच टाइप ऑफ स्केल इज डिपिक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन? लीनियर स्केल. What is rough drawing without a scale or conventional symbol called? Sketch. On the map, what is arrow with its tip marked with letter N called? North line. Now, give the geographical reason. Why it is difficult to show curved surface of the earth on the map correctly? जो map पे है वो हम curved surface easily क्यों नहीं show कर सकते? Because of the distortion. जो एंगल्स की डिस्टॉर्शन हो जाती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, उसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते? कर्व्ड जो सरफेस है वो डिफिकल्ट होता है एक फ्लैट पेज पे या फ्लैट मैप पे उसको ड्रॉ करना. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई आर ग्लोब्स द ओनली ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब्स हैं वो अर्थ के ट्रू मॉडल्स कैसे हैं? ग्लोब्स आर द ओनली ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ इन मैनी वेज. इट हैज़ इंक्लाइंड एक्सेस. उनके पास इंक्लाइंड एक्सेस है जिसके अराउंड वो रोटेट करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक द अर्थ. द लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज ऑन इट आर एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सर्फेस. जो लैंड मासेज हैं और वाटर बॉडीज हैं वो जैसे जैसे अर्थ पे हैं वैसे वैसे एक्यूरेटली सेम पैटर्न की उस ग्लोब पर भी वो हम ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ
एफ पार्ट आंसर द आंसर इन अ पैराग्राफ और अ टू. दिस इज असाइनमेंट नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी. हाउ कैन अ मैप विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो आर एफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, वो पूरी दुनिया में ये हम मोस्ट कॉमनली यूज स्केल होता है, तो ये कैसे है? अ मैप विद आर एफ स्केल बी रीड एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज द स्केल इज शोन ओनली एज द फ्रैक्शन विदाउट एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ये क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट के यूनिट्स नहीं होते, सिर्फ क्या होता है, डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. इट इज अ रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस वेयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर बोथ आर सेम एंड द मैप डिस्टेंस इज ऑलवेज एज यूनिटी और वन. और मैप के जो डिस्टेंस है, जहाँ न्यूमिनेटर कह लो इसका, न्यूमिनेटर हमेशा इसको एज अ वन लेकर चलते हैं. हाउ डज अ कंपस हेल्प यू टू आइडेंटिफाई 4 कार्डिनल पॉइंट्स. जो कंपस होती है उसकी हेल्प से हम 4 कार्डिनल पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं. वी नो दैट कंपस के ऊपर जो नॉर्थ लाइन दी होती है, इधर नॉर्थ लिखा होता है, और जब हमें नॉर्थ का पता चल जाता है, वी नो दैट ऑपोजिट साइड इज साउथ एंड ऑन द राइट साइड इट इज ईस्ट एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज वेस्ट. तो एक पता होने से हमें तीनों डायरेक्शंस बाकी की पता चल जाती हैं. व्हाट इज मैप? मैप्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ अर्थ. वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एक अर्थ के पोर्शन की. नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स यूज्ड ऑन अ मैप. तो तीन तरह के स्केल हमने चैप्टर में भी अच्छे से रीड किए हैं, डिस्कस किए हैं. वर्बल स्केल होता है, जो सिंपल क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन इन द लोअर पार्ट ऑफ द मैप. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये अभी हमने रीड किया है कि ये क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन अर्थ. लीनियर स्केल, इट इज ऑल्सो नोन एज पिक्टोरियल स्केल सिंस इट इज शोन इन फॉर्म ऑफ डायग्राम. तो ये आपका जो रूलर आप स्केल यूज करते हैं जर्नली लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, वैसी पिक्टोरियल स्केल होता है जो मैप के नीचे हमें दिया होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड स्केच. अब प्लान और स्केच में क्या डिफरेंस है? ये है हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया और बिल्डिंग. इट इज़ अ रफ ड्राइंग शोइंग द रिलेटिव लोकेशन और फ्यू चूजन फीचर. इट इज़ ड्रॉन टू द स्केल. ये स्केल की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है, ये स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं किया जाता. इट टेल द एग्जैक्टली थिंग्स ऑन द ग्राउंड. ये एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं वो बताता है, ये जस्ट रफ एस्टिमेशन देता है. इट इज़ एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. Now that's all for today's assignment. Now your homework is to read next chapter of your geography book, so that when in the next assignment we will discuss the next chapter, it could be easily understood. Thank you and have a nice day.